सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक दवा के बारे में, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, खास तौर पे गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स पे, गैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर के केसेस में या हाइपर एसिडिटी के केसेस में, पेट में घाव हो जाने के केसेस में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर रेगवेग की स्ट्रॉप के बारे में, जानेंगे किन कंडीशंस में आप इस स्ट्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी पाने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम में पे पहली बार आ रहे हैं, देखिए साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको आइकन मिल जाएगा, इसको टच करके चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन यानी घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के रोजाना मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहती हूं। इसके साथ ही साथ अगर आप फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे मैं एवरीडे 7 PM पर लेकर आती हूं। पेड कंसल्टेंसी के लिए आप लोग डिजायरेबल टाइम के अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लें इस ड्रॉप के बारे में। तो हमारे पास ये डॉक्टर रेगवेग कंपनी का ड्रॉप आता है और ये सीरीज चलती है, तो इस सीरीज में R5 पांचवें नंबर की ये दवा है, R5 नाम से आएगी आपको। अब बात कर लेते हैं इस दवा को हमें किन-किन कंडीशंस में प्रयोग करना है, क्या इसके कंटेंट हैं, क्या इसकी डोजेस होंगी एंड फाइनली क्या इसकी MRP होगी और आपको कहां से ये मिल सकेगी। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली मेडिसिन इसमें एनाकार्डियम। एनाकार्डियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास तौर पे जिन लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा सेंसेशन होता है कि बहुत ब्लॉकेज टाइप का फील हो रहा है, गट में ब्लॉक जैसा फील हो रहा है, माउथ टू एनस ऐसा फीलिंग रहता है, और साथ ही साथ मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करते हैं, और साथ में पेट में हमेशा दर्द रहना, बहुत खाने का मन करना पर खा नहीं पाना, ये बिल्कुल भी एपेटाइट कभी कभी एकदम लॉस भी हो जाती है कि बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। नेक्स्ट आपका अर्जेंटम नाइट्रिकम, जिन लोगों का बहुत ज्यादा स्वीट खाने का, मीठा खाने का मन करता है लेकिन अचानक से फिर पेट खराब हो जाता है, कभी भी पेट खराब हो जाता है, तो ये अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसी कंडीशंस पे अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी आर्सेनिक एल्बम, जो आपका कहने का सेंस है बेसिकली जलन जैसी जो फीलिंग है, एक बर्निंग सेंसेशन जो है, उस पर बहुत बढ़िया सूथिंग इफेक्ट, बहुत बढ़िया रिलीफ देती है आर्सेनिक, और साथ ही साथ पेट के इन्फेक्शन को भी ठीक करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी बेलाडोना, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की बेस्ट मेडिसिन है, पेट में आपको चूंकि अल्सर है यानी घाव है, तो गैस्ट्रिक अल्सर हो या पेप्टिक अल्सर हो या पेट में बहुत से लोग कहते हैं घाव हो गए हैं और छाले हो गए हैं, तो ये जो कंडीशंस हैं इसमें जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, उस पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी कार्बोवेज, जिन लोगों को गैस बहुत बनती है, पेट एकदम फूलता है और ऐसे जोर जोर से अफरा चढ़ता है, डकार आती है, पेट एकदम भारी रहता है, कुछ भी खाते तो ऐसा लगता है गैस बन रही है, पेट में गैस बन रही है, उनमें कार्बोवेज बहुत अच्छा वर्क करती है, और खासतौर पे ओल्ड एज के लोगों पे तो और भी ज्यादा अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी कैमोमिला, चूंकि इतनी सारी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स है, पेशेंट काफी ज्यादा पेन में रहता है तो मेंटली भी काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, साथ में जो मोशन है वो भी ठीक से नहीं आता, कैमोमिला इस कंडीशन पे अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट है आपकी चिलीडोनियम, जो कि है लीवर की दवा, आपके लीवर को ठीक करती है, जो भी दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से डाइजेशन वीक है उस पर ये वर्क करती है। नेक्स्ट है आपकी लाइकोपोडियम एंड नक्स वोमिका, जो कि बहुत ही बढ़िया पॉलीक्रिस्टल रेमेडी, कई सारी कंडीशंस पे इसका प्रयोग होता है, लाइकोपोडियम की तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रोफुला नोडोसा, किसी तरह के ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन में वर्क करती है। इस तरह से ये जो दवा है ना, ये गैस्ट्रिक के किसी भी प्रकार के कंप्लेंट यानी पेट से संबंधित किसी भी तरह के रोग, बेसिकली पेट से संबंधित रोग होते हैं आपके गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में अल्सर बन जाना, जो कि होता है बहुत ज्यादा स्पाइसेस वाले फूड खाने से, पानी ना पीने से, बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग करने से, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जीने से ये आपको तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह से ये जो R5 ड्रॉप है इन सभी कंडीशंस पे वर्क करती है, और कभी भी अगर आपको गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो, खाना खाते पेट में दर्द हो जाता हो, भूख नहीं लगती हो, गैस बहुत बनती हो, सीवियर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी
इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, उन सभी कंडीशन में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। डोज की बात कर ले, डोज आपको लेनी होती 10-15 ड्रॉप्स 30 मिनट्स बिफोर फूड, यानी खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इसकी लगभग 15 बूंदे लीजिए। आधे कप पानी मिक्स करके सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 बार आपको इसको पीना है। अगर बात कर ले, अगर कोई एडल्ट इसको ले रहा है तब तो ये डोज ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को देना है तो डोज हाफ कर दीजिए, 5 बूंदे कर दीजिए और दिन भर में 3 बार इसको रिपीट करना है। तो ऐसा तब तक करना है जब तक कि आपको प्रॉपर रिलीफ ना मिल जाए, जब आपको प्रॉपर आराम आ जाए उसके बाद इसकी डोज कम कर दीजिए, लेकिन लेना है ताकि आपको परमानेंट रिजल्ट आए। तो लेना कैसे, फिर दिन में एक बार कर दे दोपहर के खाने के लिए। कहने के साथ जब हम एक लार्ज मील लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट हम थोड़ा ही करते हैं, रात को भी थोड़ा ही खाते हैं, दोपहर में हम थोड़ा सा एक बड़ा खाना खाते हैं, बड़ा प्रपोर्शन ऑफ फूड लेते हैं, तो अगर जो भी आपका लार्ज प्रपोर्शन ऑफ फूड है उससे 15 या 30 मिनट्स पहले आपको इस दवा की 15 बूंदें डेली बेसिस पे लेनी है, तो आपको एक परमानेंट रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते इसके एमआरपी की, 235 रुपीज की ये ड्रॉप आती है आपकी, और किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। www.sreehomeocenter.com पे आपको मिल जाएगी, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को करिएगा लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।